आडे भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक ठाक से हो, खैरियत से हो? आज की इस वीडियो के अंदर संडे ऑफर देने वाले आप लोगों को। अब बाज दफा ऐसा होता है कि फ्राइडे वाले दिन हम वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, तो अब आपने जो है ना फ्राइडे और संडे अब एक दिन आपने डिसाइड करना है और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है फ्राइडे वीडियो अपलोड होनी चाहिए या संडे वीडियो अपलोड होनी चाहिए। अब कुछ स्टॉक हमारे पास आने वाला था तो मैंने सोचा संडे को एक साथ वीडियो बना लेंगे और आप लोगों को वो सारे स्टॉक एक साथ ही चेक करा देंगे, क्योंकि कुछ हमारे पास वैरायटी नहीं आई हुई है। तो खैर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और आज की इस ऑफर के अंदर जो सबसे पहला मॉडल दिखाने वाले हैं हम अपने सब्सक्राइबर्स को, वो दिखाने वाले हैं वन प्लस का नॉट एन टेन, जो सिंगल सिंगल पीस है उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये सिंगल पीस आया हुआ है नॉट एन टेन 5G, इसका स्टॉक खत्म हो चुका। अच्छा जी, प्राइस भी इसकी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वन प्लस का एन टेन आप लोगों को देने वाले सिर्फ और सिर्फ आज की इस वीडियो के अंदर 28,500 रुपये का, पीटी अप्रूव होगा और मजे के बाद 100% ओरिजिनल स्टॉक होगा। ओरिजिनल स्टॉक की आपको निशानी बताओ, बैक पे IMEI नंबर लिखा हुआ होता है, ये एक निशानी है इसकी, जो कि ओरिजिनल पीस की हम बात करते हैं। तो अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं भाई, देखो यूज फोन तो आप लोग ले लेते हो, यूज फोन के अंदर जो मसला आता है वो ये आता है, बॉक्स पैक फोन में तो आपको जो है ना वारंटी मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला आता है यूज फोन के अंदर, अगर आप ले लो मार्केट से तो आफ्टर सेल सर्विस कैसी है उस दुकानदार की, मेन चीज़ जो है ना वो आपने देखनी है और फिर ये सोच के परचेज करना है फोन। बाय द वे आप लोगों के लिए रिव्यूज भी आ रहे हैं बहुत जल्द चैनल पे, तो उसके लिए आपने स्टे ट्यून करना है। अब आते हैं हम, हमारे पास एक पीस आया हुआ है गूगल का पिक्सल 7 प्रो, 7 प्रो के आप लोग डिमांड कर रहे थे, अब इस दफ़ा ये पीटी अप्रूव के अंदर आ गया है। गूगल पिक्सल 7 प्रो है, ये पीटी अप्रूव है, कंडीशन दिखा है बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है और जो है ना 100% ओरिजिनल फ़ोन है ये भी, ये चेक कर रहे हैं डिस्प्ले वगैरह सब ओरिजिनल है। 12 GB 128 GB के अंदर है, टेंसर G2 का इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है। अब ये कैमरा वालों के लिए एक बेहतरीन कमाल की चीज़ है, ये हम देने वाले सिंगल यूनिट आया हुआ है सैंपल के तौर पे, सिर्फ और सिर्फ 1,12,000 रुपये का गूगल पिक्सल 7 प्रो पीटी अप्रूव के साथ। इसके अलावा फिर गूगल का पिक्सल 7 भी आपको मिल जाएगा फैक्ट्री अनलॉक के अंदर, नॉन पीटी होगा ये, ये आप ले लेना 58,000 का, कंडीशन 10x9 होगी इसकी, लेकिन बिल्कुल जो है ना वाटर पैक पीस होगा और ओरिजिनल पीस होगा। यहीं पर पिक्सल 7A अपने पास कुछ स्टॉक रह गया है, ये आप ले लेना, पिक्सल का 7A सॉफ्टवेयर लॉक होगा ये और ओरिजिनल होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस होगा। कंडीशन दिखाए एक पीस की, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन है और इसका मैं कैमरा भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेन जो ये सेल होता है अपने कैमरे की वजह से सेल होता है। इसका कैमरा चेक करें, अब हमारे पास ईयरबड्स आए हुए फ्लो बड्स के, सॉरी इस पर भी हमारी ऑफर चल रही है, ये भी आपको मिल जाएगा 2850 रुपये के फ्लो बड्स के ईयरबड्स, ये इसका कैमरा रिजल्ट है गूगल पिक्सल 7A का, यह आप ले लेना सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये के हिसाब से ऑफर पर। उसके बाद अपने पास गूगल का पिक्सल 6A आया हुआ है, अब इस दफ़ा 6A के अंदर जो है ना बेसिकली आपको लॉक भी मिल जाएगा अनलॉक भी मिल जाएगा, दोनों पीस मिल जाएंगे, जैसी आपकी प्राइस है जैसी आपका जो है ना बजट है उस हिसाब से आप लोग ले सकते हो। अब ये पिक्सल 6A है फैक्ट्री अनलॉक के अंदर, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है और मजे की बात 100% ओरिजिनल स्टॉक है, 110%, कोई डिस्प्ले चेंज नहीं होगा इसके अंदर, कोई फ्रंट ग्लास चेंज नहीं होगा, कोई बैक ग्लास चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है ये। इसकी कंडीशन चेक करें, ये आप इसकी जो है ना टच वगैरह चेक कर लें। इसका कैमरा भी बड़ा ज़बरदस्त है, गूगल पिक्सल 6A है ये, सारे कलर्स मिल जाएंगे इसके अंदर, तीनों ही कलर्स रखे हुए 6A के अंदर, ये इसका ग्रीन कलर है, ये इसका जो है ना वाइट कलर है और ये इसका ब्लैक कलर है, बिल्कुल USA स्टॉक 100%, कंडीशन रहेगी कितनी ब्रांड न्यू वाली कंडीशन है। 6A अगर आपको ओरिजिनल पीस चाहिए तो हमारे पास आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 45,500 का, ये 3 दिन की ऑफर है गूगल पिक्सल 6A फैक्ट्री अनलॉक वाला, 45,500 का मिल जाएगा और पूरे पाकिस्तान में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। अब ये देखिए ये एक पीस है, इसके अंदर कैसी इसकी कंडीशन देखिए कैसी साफ है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है और इसके अंदर कैमरा गिलास भी लगा हुआ आया हुआ है बाहर से ना, ये बाहर से ही लगा हुआ है कैमरा गिलास, USA स्टॉक होता है, बाहर के यूज स्टॉक होता है, ये देखें बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन और मज़े की बात 100% ओरिजिनल स्टॉक, ठीक है 45,500 का मिल जाएगा फैक्ट्री अनलॉक नॉन पीटी, इसको आप ऑफिशियल अप्रूव करवा सकते हो। पीयर इसका मेरे ख्याल से 14-15,000 का बन जाता है और डबल सिम अप्रूव इसका टैक्स होता है 30,000 रुपये। आप अगर अच्छा आपको रेंज कम है आपको चाहिए लॉक के अंदर, पिक्सल लॉक के अंदर भी आपको मिल जाएगा, लॉक अगर आप पीस लेना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा, सेम कंडीशन होगी 10x10, वो आपको मिल जाएगा 36,500 का लॉक के अंदर, ठीक है लॉक वाला पीस 36,500 का मिल जाएगा गूगल पिक्सल 6A। ये हमारे सारे नंबर जो मैं नज़र आपको दिखा भी देता हूँ, इन सारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, सऊद भाई कार्ड दिखाए, सऊद भाई का भी नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हमारी टीम आप लोगों को जो है ना जवाब दे रही होती है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लिया करें और एक हमें टेक्स्ट कर दिया करें। अब आते हैं हम भाई iPhone 11 की तरफ, iPhone 13 का स्टॉक आपने देखा होगा सारा फिनिश हो गया,
आईफोन 11 के कुछ पीस आए हुए जो कि वारंटी के अंदर है, 64 GB है, जेवी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, और मजे की बात 100% ओरिजिनल और 100 हेल के अंदर है। 100 हेल कैसे है, क्योंकि इसके अंदर वारंटी एप्पल की 25 मई तक की 2024-2025 के, तो नेक्स्ट ईयर तक की इसके अंदर वारंटी वैलिड है और बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ट्रू टोन वगैरह सारी चीज़ें इनेबल है, हेल्थ वगैरह भी जो है ना 100% है। तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपये के हिसाब से, आईफोन 11 64 GB 100 हेल और अंडर एप्पल वारंटी वाले पीस। यहीं पे 128 GB एक पीस है आईफोन 11, 55,000 का मिल जाएगा, 128 GB है ये जो है ना बेसिकली आपका सर्विस बैटरी पे है और इसकी वारंटी नहीं है इस पीस की, मतलब एप्पल वारंटी है, हमारी तो वारंटी है, एप्पल वारंटी नहीं है। ये 128 GB आपको 64 GB के पैसों में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने पास मोटोरोला का स्टॉक आया था एच प्लस S30 Pro का, जिसमें आपने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिखाया हमें। अब इसके अंदर कुछ पीस आए हुए हमारे पास सॉरी नॉन PTA के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, माइनर से शेड होगा किसी के अंदर माइनर से डॉट होगा, तो वो वाले पीस आए हुए S30 Pro के अंदर। ये आपको चाहिए तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा, S30 Pro है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के प्रोसेसर के साथ है, नॉन PTA होगा, 2 महीने आप इसमें सिम भी चला सकते हो, कंडीशन है तकरीबन साफ सुथरी होगी। ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 36,500 का, 36,500 का मिल जाएगा। बहुत माइनर से शेड होगा, किसी में डॉट होगा, जैसे अब ये पीस है इसमें मार्किंग की हुई हमने, इसके अंदर क्या माइनर से डॉट है। अब ये देखें इसमें ऐसा डॉट है कि शायद दिखे ही ना आपको वीडियो में, तो कहीं दिख रहा आपको, ये बिल्कुल माइनर से है, ये रहा यहाँ पे बिल्कुल कोने पे, और इसके अंदर क्या है, इस पीस के अंदर माइनर से शेड है, अब वो कहाँ पे, ये रहा हल्का सा। तो इस तरीके के पीस हो गए, मिक्स पीस है, 36,500 की हमने ऑफर लगा दी, ये आप तो लास्ट स्टॉक है, उसके बाद स्टॉक नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं हम अगले मॉडल की तरफ, तो सोनी के कुछ पीस आए हुए हमारे पास एक्सपीरिया फाइव आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 23,500 रुपये का, ए प्लस कंडीशन के अंदर है, और जो है ना नॉन PTA होता है, 6,600 रुपये इसका PTA टैक्स होता है। आप इसको ऑफिशियल अप्रूव करा सकते हो यहीं पे, इसके अंदर सारे कलर्स है सोनी एक्सपीरिया 5 के अंदर हमारे पास, यहीं पे सोनी एक्सपीरिया 5 मार्क 2 भी है हमारे पास। 5 मार्क 2 के अंदर स्नैपड्रैगन 865 है, एक्सपीरिया 5 के अंदर स्नैपड्रैगन 855 है, और 6GB 64GB है, 5 मार्क 2 8/128 और स्नैपड्रैगन 865 है। अब एक पीस की मैं आपको कंडीशन भी दिखा देता हूँ, इसकी भी बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी कंडीशन है, कोई शेड डॉट कुछ भी नहीं होगा और ओरिजिनल स्टॉक होगा 100%। सो भाई करीब से दिखाएं, ये देखें ऐसी कंडीशन है इस पीस की, ये पिंक कलर के अंदर है, ये आपको मिल जाएगा 31,500 का। इसका ऑफिशियल टैक्स पे करके आप इसको ऑफिशियल अप्रूव करा सकते हो, 2 महीने के अंदर सिम चलेगी, अभी ये नॉन PTA नॉन एक्टिव है, 6,600 रुपये इसका टैक्स होता है। सोनी एक्सपीरिया 5 मार्क 3 भी मिल जाएगा आपको, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है, बिल्कुल 10x10 कंडीशन है, 120Hz डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 888 का एक प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर, और टेलीस्कोप लेंस भी मिलता है इसके अंदर। तो ये हम आपको ऑफर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 36,000 का, बिल्कुल 10x10 और कोई शेड डॉट कोई कुछ भी नहीं होगा। यहीं पर गूगल पिक्सल 4 XL है हमारे पास बॉक्स वाला, CPU यूनिट 6GB 64GB, स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, ये हम आपको ऑफर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये का, PTA अप्रूव के साथ, 6GB 64GB, और जो है ना बेसिकली इसके अंदर ई सिम भी आप एक्टिव कर सकते हो, यानी 2 सिम चला सकते हो, और तगड़ा गेमिंग जो है ना फ़ोन है ये। अच्छा अगला मॉडल है हमारे पास एरोस का 52 है, जब 8/128 होता है ये, 8GB रैम 128GB स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर है, लाइक सैमसंग नोट 10 आप इसको कह सकते हो, सैमसंग नोट 10 भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसको जापान का, तो इसका फॉर्म फैक्टर ऐसा है और इसका सामने से फ्रंट से डिस्प्ले भी ऐसा ही है, और क्योंकि OLED पैनल भी है तो सेम नोट 10 वाला इसके अंदर डिस्प्ले लगता है। ये हम देने वाले हैं आप लोगों को 26,500 रुपये का, 26,000 का ले जाइएगा, और बोले एरोस का F51 ए भी मिल जाएगा आपको, 8GB 128GB, स्नैपड्रैगन 865 है, अब यह है तो उसका मतलब पुराना भाई, लेकिन ये उससे बेहतर है एरोस 52 से ही वाला मॉडल, इसका भी 6,600 रुपये PTA टैक्स होता है, इसका भी 6,600 रुपये PTA टैक्स होता है, आप इसको ऑफिशियल अप्रूव करा सकते हो। ये आपको हम देने वाले 31,500 रुपये का, 10x10 कंडीशन के अंदर होगा। अब स्टॉक मेरे ख्याल से अपने पास यही था, और कुछ अभी एक स्टॉक आने का है जिसमें सैमसंग वगैरह की वैरायटी है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, अगर बीच में आ जाती है ना वो वैरायटी तो मैं उसका ज़रूर आपको बता दूंगा। अब एक ये है LG का मॉडल है LG V34, ये आपको मिल जाएगा 9,500 रुपये का, PTA अप्रूव है, और 4GB 32GB होता है, ठीक है, 4GB 32GB होता है भाई, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया था 4GB 64GB समझ के, 9,500 का 4GB 32GB के PTA अप्रूव है। मजे की बात इसके अंदर OLED पैनल है, ऊपर इसके अंदर कंट्रोल्स आते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, वाइड एंगल कैमरा भी दिया हुआ है इसके अंदर,
फिंगरप्रिंट सेंसर है, मेटल बॉडी है, तो इस बजट के अंदर अगर आपको एक नॉर्मल फ़ोन लेना है तो ये बेस्ट है। अगर आप ओप्पो वीवो के फ़ोन्स लेते हो तो रीफब जो फ़ोन्स आते हैं, यहीं पर फ्लोबड्स के हमारे ईयरबड्स हैं, कुछ लास्ट यूनिट्स रह गए हैं, इस पर भी ऑफर चल रही है, 28,500 के मिल जाएगी ये आप लोगों को। इसका बैटरी बैकअप बड़ा ज़बरदस्त है और एक नए यूनिक डिज़ाइन के अंदर है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये चेक कर ले आप, आपके सामने है, 4,500 का सेल हो रहा है ये मार्केट के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ईयरबड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके सामने अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी। टाइप सी के अंदर आते हैं ये, टाइप सी के अंदर आते हैं ये, इसकी जो है ना डिज़ाइन है, डिज़ाइन चेक करें कितना खूबसूरत है। इसके अंदर टच कंट्रोल भी मिलते हैं, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ही कमाल की क्वालिटी है इसकी। और जो है ना कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह मिलता है इसके अंदर, ये यूज़र मैनुअल है इसका, और इसके अंदर टाइप सी की केबल मिलती है। तो 2,850 रुपये का आपको मिल जाएगा ये वाला ईयरबड्स। वीडियो यहाँ पर एंड कर लेते हैं, कोई सवाल वगैरह हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। अब कमेंट पढ़ लेते हैं लास्ट वीडियो के, मिलता आपको भाई अगली वीडियो के अंदर। अब चलते हैं कमेंट की तरफ, जो लास्ट वीडियो में आप लोग कमेंट किए थे उसका आंसर आप लोगों को कर देना। चलिए जी, आपके सवाल और हमारे जवाब। सबसे पहला जो सवाल आया हुआ है मंसूर खान भाई का आया हुआ है, मोटोला S30 Pro 37 का इससे कम वाकई कहीं भी नहीं मिल रहा, वेरी गुड प्राइजेस, एंड इवन के Faizan.com भी 39 का सेल कर रहा है। सर मैं आपको आगे नहीं बता सकता, अब आप लोग बेहतर जानते हैं कि हम 37 का कैसे दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है तो क्वांटिटी आई हुई थी, आप लोगों को पता होगा हमारे पास क्वांटिटी आई हुई थी, तो 37 का हम ही दे सकते क्योंकि स्टॉक हमारे पास ही था। आप समझ सकते हैं इस बात को, मैंने इशारा दे दिया। अब अगला एक भाई का कमेंट आया हुआ है, नॉन पीटीए यूज़र को भी बता दिया करे कि इसमें बैंकिंग ऐप या इजी पैसा जैस कैश वर्किंग करते हैं या अप्रूव में करवाना ज़रूरी होता है। सर नॉन पीटीए फोन्स के अंदर सारी बैंकिंग ऐप आपकी काम करती है, कोई अगर नॉन पीटीए फ़ोन है, अगर कोई बैंक के अंदर ओटीपी आती है तो उसके लिए आपको मसला हो सकता है, अदरवाइज नॉन पीटीए फोन्स के अंदर सारी चीज़ आपकी प्रॉपर्ली चलती है सिवाय सिम के। अब हारून भाई का कमेंट आया, उस्मान भाई हारून फ्रॉम सवात, आपकी वीडियो देखता हूँ, S30 Pro डिवाइस बहुत पसंद है लेकिन मैंने सुना है इसकी बैटरी इशू होता है और बिना यूज़ के बैटरी जो है ना गिर जाती है, एक्सप्लेन करें काइंडली। सर देखिए बैटरी इसके अंदर आती है 4800 mAh की, S30 Pro का जो बैटरी बैकअप होता है ना वो नॉर्मल फ़ोन की तरह नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है, इसके अंदर प्रोसेसर जो है Snapdragon 8th Generation 1 का लगा हुआ है। अब जो 8th Gen 1 का प्रोसेसर है वो बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, इसके अलावा इसका जो डिस्प्ले है वो 144Hz का है। अब नॉर्मल जो हमारा फ़ोन होता है ना वो 60Hz के डिस्प्ले उसके अंदर होता है, इसके अंदर 144Hz का है। अब एक सेकंड के अंदर ये जो है ना 60 दफ़ा रिफ्रेश करता है, और यही सेम जो डिस्प्ले है ना 144Hz मतलब 144 टाइम जो है ना रिफ्रेश होती है इसकी डिस्प्ले। तो इस वजह से जो है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत लगती है प्रोसेसर को और प्रोसेसर भी हैवी है, इस वजह से जो है ना बेसिकली इसके बैटरी लाइफ जो है ना नॉर्मल 60Hz के डिस्प्ले वाले फ़ोन से थोड़ा सा कम होता है। नॉर्मल यूज़ को आपको एक दिन आराम से चलता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो 120Hz वाले डिस्प्ले वाले फ़ोन होते हैं उनका बैटरी बैकअप कम होता है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होती है इसके डिस्प्ले को, तो वो CPU पे ज़्यादा लोड देता है, समझ रहे हो आप, CPU को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इस वजह से उसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम होता है। बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 60Hz वाले फ़ोन से कंपेयर करोगे एक नॉर्मल प्रोसेसर वाले फ़ोन से, जैसे ये OnePlus Nord N10 है, इसके अंदर जो है ना डिस्प्ले वैसे तो 90Hz की आती है, लेकिन इसके अंदर प्रोसेसर जो है ना वो 6 सीरीज़ का लगा हुआ है, इसके अंदर 8th Gen 1 लगा हुआ है, तो इसमें आपको फ़र्क मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है CPU को, और वैसे ही CPU बहुत ज़्यादा इसका जो है ना पावरफुल है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये जो है ना फ़ोन बैटरी ज़्यादा खर्च करता है, ये बस इसका रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। मिस्टर उस्मान मैं आपकी वीडियो का वेट करता हूँ, आपके दाली नहीं फ्राइडे को वीडियो। सर अभी हमारा ये सीन हो गया, वैसे तो फ्राइडे को वीडियो अपलोड किया करते थे, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा तो ऐसा होता है कि स्टॉक हमारा जो है ना आने का होता है कुछ, तो हम वेट कर लेते संडे को, इस वजह से वीडियो अपलोड कर देते। बाकी आप लोग बताओ हमें संडे अपना टाइम रखना चाहिए या फ्राइडे ही अपलोड करें। एक भाई का कमेंट आया हुआ है, सैमसंग पिक्सल वन प्लस सब में सस्ते पार्ट्स चिपके हुए हैं, यही वजह ग्रीन लाइन डॉट्स इशू आते हैं। सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ग्रीन लाइंस आती है या किसी फ़ोन के अंदर डॉट आता है, किसी के अंदर शेड आता है, तो उसकी रीजंस होती है। अब ग्रीन लाइन डॉट्स आईफोन के अंदर भी आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आईफोन के अंदर सैमसंग की डिस्प्ले होती है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो ये रीज़न नहीं होता, इसकी बहुत सारी वजूहत होती है। डॉट अगर किसी फ़ोन में आते हैं तो वो पिक्सल जो होता है उस पार्ट का डिस्प्ले का वो ऑफ हो जाता है, इस वजह से वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, तो उसकी रीजंस होती है बहुत सारी। शेड आता है, फ़ोन हीटअप होने की वजह से शेड आ जाता है, आइकन छप जाता है, बाज़ दफ़ा आप
आपने देखा होगा जो ऐप आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसी का जो है ना शेड आ जाता है। तो ये कुछ रीजंस होती है इस वजह से शेड या डॉट वगैरह आते हैं किसी भी फ़ोन के अंदर। इसके अलावा एक भाई का कमेंट आया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा, खुद दुरूद पाक पढ़ के खुश रहो और डन, खूब कामयाबी मिले आपको। सर थैंक यू सो मच। दुरूद पाक हमने लास्ट वीडियो में रखा था, आप सबने पढ़ना है, आप अगर वीडियो देख रहे हो आप भी पढ़ लें, ठीक है, दुरूद पाक। एक भाई का कमेंट आया हुआ, संडे शॉप ओपन होती है? सर संडे क्लोज होता है हमारा मॉल ही, अम्मा टावर जो मॉल है ये बंद होता है, अगर खुला हुआ होता है तो हम भी आते हैं संडे वाले दिन आप लोगों के लिए। एक भाई का कमेंट आया हुआ है, मोटोला S30 Pro माई ड्रीम मोबाइल बट आई हैव नो मनी। सर इंशाल्लाह आपके पास पैसे आ जाए तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, पिक्सल 7 कब लेंगे? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 1 मंथ से, प्लीज़ ले आओ पिक्सल। सर पिक्सल 7 है हमारे पास, रखा हुआ है पिक्सल 7। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है, जो मेन मेन कमेंट है वो हम पिक कर लेते हैं। उस्मान भाई आपकी कंप्लीट वीडियो देखता हूँ, जब आप हमारे कमेंट्स रीड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लव यू जी। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ। एक भाई का कमेंट आया हुआ है, जुहैर वर्सेस उस्मान वर्सेस फैजान। भाई मैं अपना किसी को कंपटीशन नहीं मानता, सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, मैं अपने आपको किसी को कंपटीशन नहीं मानता, मेरा कोई कंपटीशन नहीं, सीधी सी बात है, मैं अपने आप में बेस्ट बनने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट वर्जन। तो ये आपने बताना है कौन बेहतर है, जुहैर वर्सेस उस्मान वर्सेस फैजान। सऊद भाई को देखा बहुत अच्छा लगा, लास्ट वीडियो में दिखाया था सऊद भाई ऐसे पीछे से। और गूगल पिक्सल 8 प्रो चाहिए? सर गूगल पिक्सल 8 प्रो नहीं है हमारे पास अवेलेबल। बहुत सारे कमेंट है, बस ये कुछ मेन मेन कमेंट है जो कि हमने पढ़ लिया, बाकी आपका भाई मिलता अगली वीडियो के अंदर। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। दिस इज उस्मान, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।